अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप डेली बेबी बाजी ड्रामा के रिव्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। असमा जिस पर घर का सारा बोझ आन पड़ा है और नसीर ने तो बिल्कुल ही घर की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है, और असमा जो कि बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है जबकि नसीर अपना सब कुछ ही लक्ष्य पर लुटा रहा है, और अजरा ने भी असमा की बेइज्जती की है कि तुमने मेरे शौहर से पैसे क्यों मांगे हैं, अगर नसीर तुम्हें घर का खर्चा नहीं देता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है और ऊपर से तुम लोग बेबी बाजी को भी हमारे गले डालकर चले गए हो। तो असमा को अजरा की ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और रोने लगती है कि आज मुझ पर यह मुश्किल वक्त आया है तो कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, और दिल ही दिल में खुद से कहती है कि अजरा भाभी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, जबकि अजरा ने बेबी बाजी को भी कह दिया कि आप कोई और ठिकाना ढूंढ लें, मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा आपका जो आपकी हर वक्त खिदमतें करती रहूं, और आप अपने चहीते बेटे वासिफ के घर जाकर क्यों नहीं रहती, उसका भी तो हक बनता है कि वो आपकी देखभाल करे, उसने भी तो अपना हिस्सा ले लिया है हमसे, तो आप वहाँ चली जाएँ। तो बेबी बाजी को ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो अपने शौहर को याद करते हुए कहती हैं कि आपके जाने के बाद ये वक्त आ गया है कि मुझे कोई अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं है, एक आप ही मेरा आसरा थे और आप भी मुझे छोड़ कर चले गए हैं। तो व्यूअर्स, आप ये सब देखने वाले हैं आने वाली एपिसोड में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।